नमस्कार दोस्तों, सहारा इंडिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जिन लोगों ने अपना पैसा सहारा इंडिया में निवेश किया था, सरकार की तरफ से उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी गई है और बहुत ही जल्द उसका भुगतान भी शुरू हो जाएगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सहारा हेल्पलाइन नंबर अभी अभी हुआ जारी, इस दिन से होगा भुगतान। वो कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसपे कॉल करके आप अपने निवेश किए हुए पैसों का जायजा ले सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें उस नंबर को। तो उसके लिए हम आपको ले चलते हैं अपने इस पोस्ट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सहारा इंडिया की ओर से बड़ी अपडेट। नीचे हम देखते हैं, जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर, यहाँ कॉल करने पे मिलेगा पैसा। लाखों लोगों ने बड़े अरमान के साथ सहारा परिवार की चिट फंड समेत अन्य कंपनियों में निवेश किया था। उन्हें उम्मीद थी कि मैच्योरिटी पीरियड के बाद कंपनी इस पैसे को वापस करेगी, तो इस पैसे से अपने अधूरे सपने, अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ। मैच्योरिटी पीरियड के बाद उनके हिस्से अपनी राशि पाने के लिए केवल संघर्ष हाथ आया। ब्याज तो छोड़िए, मूल राशि तक लोगों के हाथ से निकल गई। उन्हें सालों एड़ियां घिसते गुजर गई। सेबी सहारा खातों से करोड़ों के भुगतान के बावजूद अब तक लाखों अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं। अब झारखंड के लोगों में पैसे वापसी की उम्मीद जागी। वहां राज्य वित्त विभाग ने सहारा इंडिया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर सहारा के पीड़ित निवेशक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। यदि आप भी झारखंड के रहने वाले हैं और सहारा में अपना पैसा फंसा है, तो अब निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकार अब सहारा इंडिया के रिफंड को लेकर एक्शन मोड में है। ऐसे लोग जिनके पैसे सहारा इंडिया में लगे हैं, सरकार के वित्त विभाग उनके लिए सहारा इंडिया हेल्पलाइन नंबर जारी किया। यह हेल्पलाइन नंबर है 112। सहारा इंडिया हेल्पलाइन नंबर पर सहारा के अलावा अन्य नॉन बैंकिंग कंपनियों और NBC और कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सहारा की कंपनी में निवेश करने वाले पीड़ित निवेशक सहारा इंडिया हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि शिकायत के पश्चात क्या होगा। आपको बता दें कि सहारा पीड़ित निवेशक से शिकायत मिलने के पश्चात राज्य वित्त विभाग CID आर्थिक अपराध शाखा झारखंड यानी CID के साथ मिलकर इस शिकायत की जाँच करेगी एवं शिकायत के निरस्ताकरण में सहायता करेगी। दोस्तों, यह तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि सहारा इंडिया में लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। स्थानीय लोगों के दबाव को देखते हुए उनकी निवेश की राशि लौटाने से जुड़ा यह मामला विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी उठ चुका है। इसी 10 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायक नवीन जायसवाल ने नॉन बैंकिंग कंपनियों में झारखंड के लोगों की करीब 2500 करोड़ फंसे होने की बात उठाई है। उन्होंने कहा कि करीब 3 लाख लोग अपने पैसों को लेकर परेशान हैं, लिहाजा सरकार को चाहिए कि वो कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करे। सहारा इंडिया हेल्पलाइन नंबर के जरिए यह पता चल सकेगा कि कंपनियों में कितना कितना पैसा निवेश है। इनमें सहारा कंपनी भी शामिल है। नवीन जायसवाल ने सहारा में काम करने वाले 60,000 लोगों का भी मुद्दा उठाया है। कहा था कि इन लोगों की हालत ऐसी हो गई कि किसी की जान भी जा सकती है। राज्य वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी माना कि सहारा में गांव देहात के लोगों का पैसा भारी मात्रा में फंसा हुआ है और लोग इस फंसे पैसे की ये बेहद परेशान हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी, सहारा इंडिया के निवेशकों में अभी तक 138.7 करोड़ रुपये ही वापस कर पाया है। सहारा इंडिया ने 232.85 लाख निवेशकों से 19,487 करोड़ रुपए और सहारा हाउसिंग इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों में 6,380.50 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 के बाद के आदेश के अनुसार SIRECL एवं SHICL के निवेशकों से जुटाई गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर 2021 तक सेबी सहारा रिफंड खाते में 15,530.69 करोड़ रुपये जमा किए हैं। आपको बता दें, सेबी ने 31.70 करोड़ रुपये की कुल मूल राशि के लिए 53,672 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट पासबुक से जुड़े कुल 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सेबी ने 138.00 रुपये की कुल राशि 48.226 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट पासबुक वाले 7,526 बॉन्ड होल्डर को रिफंड किया है। और जिन लोगों का अभी पैसा फंसा है, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं, उनका भी पैसा बहुत जल्द ही रिफंड कर दिया जाएगा। झारखंड के लिए 112 नंबर पर आप कॉल करके, अगर आप झारखंड के निवासी हैं, तो अपनी शिकायत 112 नंबर पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं। और आप अगर अन्य कहीं के हैं, तो आपको sahara.in पे आना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे दिया गया सेक्शन, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, सहारा इंडिया परिवार की तरफ से देखिए PO बॉक्स नंबर लखनऊ
आपका ये जो है गोमती नगर लखनऊ का ये ऑफिस है, वहाँ का ईमेल आईडी दिया है, इस पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर सहारा में आइए, गोमती नगर का ये नीचे मोबाइल नंबर भी दिया है, जो लखनऊ में सहारा का ऑफिस है उसका मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी सब दिया है। उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, मेल के थ्रू भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और उसी तरह कपूरथला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वहाँ का भी दिया हुआ है आपका टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी। और नीचे आएंगे तो लखनऊ का एक और है, ठीक, उसके नीचे फिर मुंबई नोएडा का दिया हुआ है, गोरेगांव मुंबई का भी दिया गया ऑफिस, उसका फैक्स, उसका ईमेल, आप अपने सुविधा अनुसार इस पर आप कॉल कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, ईमेल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे और आपके पैसे का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। तो आपको घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपका पैसा जरूर वापस किया जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, काफ़ी सारे लोगों का पैसा धीरे धीरे वापस हो रहा है, कई सारे राज्यों में लोगों ने इसके लिए धरना प्रदर्शन किया, तो सरकार को इस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, तो उनके लिए भी मुद्दा एक बन जाएगा कि आपका पैसा रिफंड करेगा, तभी उनकी सरकार पे कोई आँच ना आए। तो सरकार भी इसकी तरफ पूरी जोर दी हुई है कि आपका पैसा जल्द से जल्द रिफंड कराया जाए। उसके लिए आपको शिकायत करना है, घर बैठने से कुछ नहीं होगा, कम से कम आप शिकायत तो करिए, आप सेंट्रल स्टार को पत्र लिखिए, डीएम और अपने जिला अधिकारी के पास जाइए, उनके यहाँ अपनी शिकायत दर्ज की। जैसे सरकार ने कई सारे गाइडलाइन निकाले हैं, न्यूज़ में देखिए कि क्या क्या गाइडलाइन निकल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में फैसला अभी चल रहा है, तो आप घबराने की चिंता नहीं, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपको ब्याज सहित आपका पैसा दिया जाएगा। जैसे 4-5 साल वेट किया है, वैसे 1-2 साल और वेट कर लीजिए, आपका पैसा पक्का मिलेगा, चुनाव से पहले आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।